हेलो एंड वेलकम टू माया पुरिकट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। काजोल और कृति सेनन की मच अवेटेड फिल्म दो पत्ती का सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इस फिल्म को कनिका ढिल्लो ने लिखा और निर्देशित किया है। वहीं ट्रेलर में दर्शकों को काजोल और कृति ने अपने बेहतरीन एक्टिंग से इम्प्रेस कर लिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 25 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर होगा, जिसका फैंस इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 के साथ खूब चर्चा में हैं और फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक ने फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए अपनी फीस 3 गुना तक बढ़ा दी है। जी हाँ, कार्तिक को फिल्म के लिए 14 करोड़ रुपए फीस के तौर पर दिए गए हैं, जिसके साथ वो इस फिल्म में सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले कलाकार बन गए हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें वो देसी अवतार में नजर आ रही हैं। तृप्ति ने इस दौरान ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने लाइट मेकअप और खुले बालों का लुक अपनाया है। अब इन फोटोज में तृप्ति ने बेहद ही अट्रैक्टिव और किलर पोजेस दिए हैं, जो उनके फैंस को भी काफी पसंद आ रहे हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेबी पिंक लहंगे में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। श्रद्धा ने इस लुक को लाइट मेकअप, इयररिंग्स और एक सिंपल से नेकलेस के साथ कंप्लीट किया। वहीं इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनके इस ट्रेडिशनल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्यार भी बरसा रहे हैं। बॉलीवुड कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल ने इसी साल 16 जुलाई को एक बेटी का स्वागत किया था। वहीं अब लगभग 3 महीने के बाद कपल पहली बार बेटी के साथ मीडिया के सामने आया है। दरअसल कपल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहाँ न्यू मॉम और डैड बने ऋचा और अली के साथ उनकी नन्ही प्रिंसेस भी मौजूद थी। एयरपोर्ट पर पहुंचे कपल को पैपराजी ने अपने कैमरे में कैद किया और अब कपल की अपनी नन्ही परी के साथ फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। अभिनेत्री नीना गुप्ता की बेटी और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता 11 अक्टूबर 2024 यानी रामनवमी के दिन मां बनी थी। वहीं अब नीना ने अपने इंस्टाग्राम पर फैंस को मसाबा की बेटी की पहली झलक दिखाई है और इसके साथ ही नीना ने नानी बनने पर भी अपनी खुशी जाहिर की। सामने आई फोटो में नीना अपनी नातिन को निहारती हुई नजर आ रही हैं। मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म पूजा मेरी जान का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा मेरी जान नवंबर 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह अगले साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। Amazon Prime Video की पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें फैंस का बेशुमार प्यार मिला है। वहीं अब निर्माताओं ने पंचायत 4 पर मोहर लगा दी है और इस सीरीज की कहानी भी लिखी जा चुकी है। इसके साथ ही मेकर्स ने यह भी बताया कि सीरीज की शूटिंग 25 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली है, जिसमें जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता जैसे स्टार्स नजर आएंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर बाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बाला को उनके एक्स वाइफ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ उनकी बेटी अवंतिका को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप भी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टर के खिलाफ उनकी बेटी ने यह आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा मोनालिसा ने हाल ही में जिम वर्कआउट करते हुए एक मोटिवेशनल वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में मोनालिसा ब्लैक टॉप, रेड शॉर्ट्स और रनिंग शूज पहने नजर आ रही हैं। वहीं इस वीडियो के जरिए मोनालिसा ने अपने फैंस को फिटनेस के लिए अवेयर रहने और हार्डवर्क करने का मैसेज दिया है। उनकी इस पोस्ट को अब सोशल मीडिया पर जमकर सराहा जा रहा है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।